एक तरफ एनडीए गठबंधन श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, वही आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में आईएनडीआई गठबंधन चल रहा है। दोनों अपनी अपनी सेनाएं तैयार कर रहे हैं और 2024 का जो कुरुक्षेत्र होगा, जो महाभारत होगा, उसकी तैयारी हो रही है, रणनीति हो रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। क्या कुछ होने वाला है और किसकी क्या रणनीति है, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ एडी न्यूज इंडिया के प्रधान संपादक अमन सांडिल जी हैं। नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। ऐसे एनडीए जो है इंडिया को एक बार फिर परास्त करेगी या फिर इंडिया अपने रणनीति किस तरह से बना रही है कि एनडीए के रथ को, विजय रथ को रोक देगी? कौशिक जी, 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद जी, आप देखे होंगे पिच एनडीए तैयार करता है, अच्छा, और उस पर बैटिंग के लिए या बॉलिंग के लिए इंडिया या पहले का यूपीए जी आता रहा है। अच्छा, कभी भी यूपीए, अब तो आईएनडीआईए हो गया है, उसने कभी पिच तैयार नहीं, इसमें वो असफल रहा है। अच्छा, ठीक है, पिच बॉलर के लायक होगा या बैट्समैन के लायक होगा, अच्छा, ये एनडीए ही तैयार करता है, और सबको खेलने के लिए उसी पर फील्डिंग करता है, लोग से फील्डिंग करता है, फील्डिंग कहिए या बैटिंग कहिए, नहीं, बैटिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है, और लेकिन छक्का चौका जो है बॉलिंग भी उसे वो भी लगाता है, लेकिन लेकिन पिच की जो क्वालिटी है ना जी, वो बैट्समैन के लायक होगा कि बॉलर बॉलिंग के लायक होगा, अच्छा, उसका निर्धारण एनडीए करता है, या कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम करती है। ठीक है, अभी इधर कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि तरह तरह के राजनीतिक गलियारों से तरह तरह की बातें आ रही हैं, तरह तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, है ना, तरह तरह के वैसी बातें की जा रही हैं ताकि कोई खास वर्ग, क्या कहें उसको, मैंने जितनी भी पार्टियां हैं जो अपने उनके वोटर हैं, उन वोटर को लुभाने के लिए, अच्छा, अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए वैसे बॉल्स फेंके जा रहे हैं, गुगली बॉल, कि वो उनके साथ बने रहे, चाहे वो धर्म का मुद्दा उठा लीजिए, सनातन धर्म को तोड़ने की बात की जाए, या जाति का मुद्दा हो या कुछ भी हो। कुछ दिनों से बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी जाति आधारित जनगणना की शुरू से मांग कर रहे थे, सर्वे भी कराए, सर्वे भी हुआ, मामला कोर्ट में भी गया, कोर्ट ने हरी झंडी भी दे दी, और मुझे जहां तक लगता है कि सर्वे फाइनल भी हो चुका है जातिगत आरक्षण को लेकर के। ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में है, सब लोग जानते हैं, लेकिन इधर दो बातें छन करके आ रही है एनडीए के साइड से। मैंने पहले बोला कि पिच जो है ना एनडीए तैयार करता है, और ऐसा पिच तैयार करेगा कि बाध्य है आप उस पर खेलेंगे ही खेलेंगे। दो बातें हैं, दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आप सभी जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं, इन दो बातों को जरूर, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको सुनिएगा, अति महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, हालांकि वो डिसीजन ऑलमोस्ट, जहां तक मुझे लगता है कि केंद्र सरकार उस फैसले पर अड़ी हुई है, वो करेगी, वो सुरक्षा को ध्यान में रख करके भी फैसला है, और राजनीतिक पहलू के कारण, राजनीति को भी आप उसमें एक एंगल के तौर पर ले सकते हैं। केंद्र सरकार यानी एनडीए की सरकार बिहार के सीमांचल के जिलों को और बंगाल के कुछ जिलों को, जो बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर जो जिले स्थित हैं, जहां पर, हाँ, सीमांचल जी, सीमावर्ती जो जिले हैं, और जो आपका वो आसाम से नीचे वाला, क्या कहते हैं उसको, जहां से शुरू हो जाता है दार्जिलिंग के आसपास, जो पतला सा नेक टाइप का रास्ता है, अरुणाचल वाला नहीं, अरुणाचल तो पीछे हो गया,
ये शुरू में बिहार के बाद उसको चिकन नेक कहते हैं। अच्छा अच्छा, वो पतला सा चिकन नेक जी जी, है ना, ये सेंसिटिव इलाका है क्योंकि चाइना वगैरह चाइना है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख करके केंद्र सरकार मन बना चुकी है, फैसला ले ली है कि नहीं ले ली है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन केंद्र सरकार मन बना चुकी है। और इसके इसके बारे में पिछले सितंबर में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का सीमांचल का दौरा हुआ था, और सीमांचल के दौरे में उन्होंने थोड़ी बहुत हिंट इसके बारे में दी थी, खुलकर के नहीं बोले थे, ठीक है। तो बंगाल के कुछ जिले और बिहार के कुछ जिले ये मिला करके एक यूटी बनाने का तैयारी है, ठीक है। पूरे हिंदुस्तान में, भारत में दो जगहों को यूटी बनाने की तैयारी है, एक तो ये हो गया बंगाल और बिहार के सीमांचल इलाके को मिला करके, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा है, रोहिंग्या मुसलमानों की भी अवैध रूप से बहुत ज्यादा रह रहे हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अच्छा, ठीक है। जो आपका चिकन नेक है वो इतना छोटा एक पतला सा गलियारा है कि अगर चाइना जैसी कंट्री या कोई भी दुश्मन हुआ, जो भी हो, जब चाहे अगर आप भारत सरकार मजबूत न रहे तो काट देगा तो आपके सेवन सिस्टर्स यानी जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है ना, वो पूरा का पूरा खत्म, आपसे ही अलग हो जाएगा साफ। तो आपके लिए बेहद संवेदनशील है, तो इसको ध्यान में रख करके यूटी बनाने की बात हो रही है कि इसको यूटी बना दिया जाए, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश मुंबई शहर को बनाने की बात हो रही है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक अर्ध राज्य है, तो मुंबई को भी, क्योंकि मुंबई का जो मतलब महाराष्ट्र है, एमसी जो है ना, महाराष्ट्र है, और सिर्फ जो महाराष्ट्र का कैपिटल भी वो रहेगा मुंबई जो सिटी है, हाँ, जैसे चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ क्या यूटी है, यूटी, लेकिन वो पंजाब और हरियाणा का भी कैपिटल है, तो उसको भी, क्योंकि बीएमसी जो है, बीएमसी का जो बजट है वो एक स्टेट के बजट के बराबर होता है। बंबई महानगर पालिका जो है, बॉम्बे महानगर पालिका, वो उसका जो बजट है वो एक स्टेट के बराबर है बजट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए। तो उसको भी यूटी बनाने की बात हो रही है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट न्यूज था जो आपको मैंने दे दिया। हालांकि इस पर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी है, शिवसेना भी इस पर विरोध कर रहा है, लेकिन उसके विरोध से कुछ नहीं है, वर्तमान में केंद्र सरकार जो चाहेगी वही होगा। तो आप याद रखिए, अभी एक सूचना मिली कि पूर्णिया में जमीन अचानक महंगे हो गए। अच्छा, और वहां 5-star होटल तक भी बन रहा है। तो ये 5-star होटल का बनना पूर्णिया जैसे जगह में, साइड इफेक्ट दिख रहा है, पटना के राजधानी में तो बन नहीं रहा है, और पूर्णिया में 5-star होटल बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और साइड इफेक्ट भी दिखना शुरू हो गया है, ठीक है। अब इसका पॉलिटिकल पहलू क्या है उसको ध्यान दीजिए। सीमांचल के इलाके में जदयू और आरजेडी का प्रभाव है, भाजपा वहां बहुत कमजोर है, ये आपको पता है। अब सेंटर अब स्वयं गवर्न करना शुरू करेगी, वहां बहुत कमजोर है डायरेक्ट। उतने एरिया को अगर काट करके केंद्र सरकार अलग कर देती है तो भाजपा का वो क्षेत्र जो जहां वो प्रभावशाली नहीं और जहां से अधिक सीटें आरजेडी को या जेडीयू को या कांग्रेस को आती थी वो तो कट जाएगा, कट जाएगा। तो राजनीतिक तौर पर इसको भी आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार के फैसले से किसका हित होगा, किसका अहित होगा, इस पर मैं बोलना उचित नहीं समझूंगा, वो मैं आप लोगों पर मैं छोड़ता हूं। दूसरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, 2 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट के जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक कमीशन बना। अच्छा, अनुच्छेद 340 के तहत, ये अनुच्छेद 340 के तहत अब तक में मात्र दो ही कमीशन बना है, इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, केवल दो कमीशन बना है। तो जी रोहिणी के अध्यक्षता में 2 अक्टूबर 2017 को एक आयोग बनाया गया। इस आयोग की जिम्मेवारी, इसका जो कार्यक्रम निर्धारित था वो अति पिछड़े वर्गों के अधिकारों को लेकर, आरक्षण को लेकर, उनका आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक स्थिति के आकलन के लिए है ना, ये आयोग गठित किया गया। कहा गया कि रिपोर्ट आप जमा कर दीजिए। अभी हाल में जी रोहिणी आयोग ने भारत के राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को अपना
आयोग ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। अच्छा ठीक है, तो राजनीति का एक, अब ध्यान दीजिए कि अब क्या खेला होने वाला है, अब पता चलेगा, समझ गए। 52% आबादी है पिछड़ों की, पिछड़ों की, क्योंकि केंद्रीय जो केंद्र सरकार है उसमें अति पिछड़ा शब्द नहीं है, ये तो नीतीश जी बिहार से बनाया है, वहां पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग आयोग भी है। 52% आबादी को 27% आरक्षण है जी शैक्षणिक संस्थाओं में, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकारी नौकरियों में या अन्य जो भी स्कीम्स वगैरह मिलते हैं जाति आधारित उस जी। अब ये 27% जो आरक्षण है, इसमें सरकार ने एक तरह से रोहिणी आयोग के द्वारा ये जानने का प्रयास किया कि कितने लोगों को लाभ पहुंचा, कितने लोगों को लाभ नहीं पहुंचा। रोहिणी आयोग बताया, जो सबमिट किया है रिपोर्ट, उसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा लाभ लेने वाला प्रतिशत वर्ग जो है मात्र 9 है। अच्छा 27 में, मतलब कि 27% का जो हक है वो एक तरफा 9% लोगों के पास जा रहा है। अच्छा बस समझ गए, जिनको आप उच्च अति पिछड़े वर्गों में, जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग में मर्ग यानी यादव बिहार के सेंस में, बाकी अलग अलग राज्यों में अलग अलग जाति है, बिहार के को आधार मान करके हम लोग डिस्कशन करेंगे, यादव कोयरी कुर्मी बनिया ठीक है, और भी कुछ कुछ अन्य जातियां हैं जो संपन्न है और जो संपन्न है लेकिन लाभ ले रहे हैं ठीक है, ये सारी है। आयोग ने सिफारिश की है कि जो बिहार सरकार में जिसको अति पिछड़ा माना गया है ना जी, एक तो पिछड़ा वर्ग हो गया, एक अति पिछड़ा बिहार सरकार ने की, तो आयोग ने कहा कि अति पिछड़ा को 2 हिस्सों में बांट दो, यानी 3 हिस्सा किया गया है ठीक है। अब कहिए कैसे, अति पिछड़ा वर्ग में जो मुख्य धारा में धीरे धीरे जातियां आ चुकी हैं, जैसे निषाद ठीक है, इसके अलावा तेली बनिया बिरादरी से और भी बहुत सारी जातियां हैं, गिनने लगिएगा तो बहुत सारे हैं, कहा गया कि उनको 11% उनके लिए रिजर्वेशन आरक्षित की जाएगी। 27% में अब कैटेगरी बांटा गया जी, 11% जो अभी वर्तमान में अति पिछड़ा वर्ग के श्रेणी में जिनको रखा गया है उन्हें दिया जाएगा। और जो मलाई खाने वाले पिछड़े वर्ग थे या संपन्न है, वो किसी भी तरह से तो हमको लगता नहीं है कि वो पिछड़े वर्ग हैं, लेकिन चलिए अब संवैधानिक दृष्टिकोण संविधान में माना है तो हमको तो कहना पड़ेगा, बिल्कुल उनको 9%। तो 9 और 11 कितना हुआ, 20 बच गया 7। रोहिणी आयोग बोला कि कुछ फुटकर जातियां हैं, अच्छा जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है, अच्छा जिसके बारे में कुछ ऐसी जातियां हैं कि उस जगह में जाइएगा ना वो पूरे राज्य स्तर पर दिखाई नहीं देती हैं, उनका कहीं कोई प्रतिनिधि भी नहीं है। अच्छा जैसे बारी का कोई प्रतिनिधि है, नाई का तो कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बढ़ई ठीक है, इसके बाद और भी छोटी इक्का दुक्का जो है ना, कहार टाइप का हो, कहार नहीं, कहार तो नहीं, अति पिछड़ा में नहीं है, कहार अति पिछड़ा में है, कमकर चला गया है अनुसूचित जनजाति में, मतलब देखिए अब उतना तो हमको ठीक है और हम लोग जाति में जाना भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसी, अरे जानते हैं करीब 300-400 जातियां हैं भाई इसमें, 300 से ऊपर जातियां और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की जातियां, कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके बारे में वो हमारे समाज में रहती हैं, उनका आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति जो आजादी से पहले था आज भी लगभग वही है, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। तो आयोग ने कहा उन जातियों को चिन्हित किया है और चिन्हित करके उनके लिए 7% रिजर्वेशन तय किया है।
अब ये बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं, 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र का आह्वान किया गया है, अब बातें खुल करके सामने आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं कि उस पटल पर इसको भी रखा जा सकता है। और ध्यान रखिए, इसको पारित कराने के लिए मोदी सरकार को 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, ये 1/3 मेजोरिटी पर पारित हो जाएगा, समझे? तो यानी एक तरह से जातिगत सर्वे कराने की जो बात कर रहे हैं लोग, उनके जुबान पर ताला, पूरे ओबीसी वर्ग का जो राजनीति है ना, ये देख लीजिएगा कि अगर ये संसद के पटल पर आया और पारित हुआ, पूरे देश में एक बहुत बड़ा भूकंप लाएगा, एक बहुत बड़ा तहलका मचाएगा, क्योंकि वो जातियां जिनके वोट को महत्व नहीं दिया गया, जिनको आप नहीं जानते हैं, जब 7% आरक्षण उनको मिलेगा तो वो महसूस करेंगे कि अब हम लगता है कि देश की राजनीति के मुख्य धारा से जुड़ या समाज से जुड़ रहे हैं। ये अच्छी पहल है, इस पहल का मैं स्वागत करता हूं। तो नहले पर दहला अपने तरफ से, तरकस से, एक तीर इधर से तो एक तीर उधर से चलाए जा रहे हैं। 2024 में क्या होता है, क्या परिणाम होगा, उससे पहले पिच पर कौन कौन बैटिंग करेंगे, कितने कौन जीरो पर आउट होंगे, क्या रन बनेगा, ये सब सारी विषय आने वाले समय में देखने की जरूरत है। फिलहाल जो हम लोग को समझ बूझ में आ रहा था वो आपके सामने परोसने का काम किया गया। अभी समय है विदा होने का। हमारा डिस्कशन आज का आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया, अपना विचार, अपने राय, आप अपना मार्गदर्शन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो भी राय व्यक्त की गई है वह राय रोहिणी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर है, कुछ भी इसमें बनावट नहीं है, कुछ भी इसमें हम लोगों ने मिर्च मसाला लगा करके प्रस्तुत नहीं किया है, सच यही है। हो सकता है कि 18 से 22 सितंबर के बीच चलने वाले विशेष सत्र में इसको रखा जाए, इसकी संभावना 99% है कि रखा जाएगा और इसे पारित भी करा लिया जाएगा। और अभी तक हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस बात को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, और पहुंचाने का एक ही जरिया है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सबको सादर प्रणाम। जय हिंद, जय मातरम।